महान एथलीट मिल्खा सिंह कोरोना से जंग हार गए। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के करीब एक महीने के बाद 91 वर्षीय इस महान धावक का निधन हो गया। मिल्खा सिंह 20 मई को कोरोना वायरस की चपेट में आए थे। उनके पारिवारिक कुक को भी कोरोना हो गया था, जिसके बाद मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिस कारण हाल ही में उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया था। आपको बता दें कि एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 गोल्ड मेडल जीतने वाले मिल्खा सिंह की रफ्तार की दुनिया दीवानी थी। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर इस धावक को दुनिया के हर कोने से प्यार और समर्थन मिला है। मिल्खा का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था, लेकिन वह आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में आ गए थे। मिल्खा सिंह की प्रतिभा और रफ्तार का यह जलवा था कि उन्हें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री फील्ड मार्शल अयूब खान ने दिया था। जब भी मिल्खा सिंह का जिक्र होता है, रोम ओलंपिक में उनके पदक से चूकने का जिक्र जरूर होता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरी आदत थी कि मैं हर दौड़ में एक दफ़ा पीछे मुड़कर देखता था। रोम ओलंपिक में दौड़ बहुत नज़दीकी थी और मैंने ज़बरदस्त ढंग से शुरुआत की थी। हालांकि मैंने एक दफ़ा पीछे मुड़कर देखा और शायद यही मैं चूक गया। इस दौड़ में कांस्य पदक विजेता का समय 45.5 था और मिल्खा सिंह ने 45.6 सेकंड में दौड़ पूरी की थी। वहीं मिल्खा सिंह की प्रेम कहानी की बात करें तो वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। बता दें कि खेल खेल में एक दूजे की हुई इस जोड़ी ने जिंदगी की ट्रैक और कोर्ट पर खूब सफलता हासिल की। जैसे कामयाबी मिल्खा सिंह और निर्मल कौर को खिलाड़ी के तौर पर मिली, वैसे ही सफलता इन्होंने पारिवारिक जिंदगी में भी अपने प्यार के बूते हासिल की। मिल्खा सिंह और निर्मल कौर के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा जीवा मिल्खा सिंह गोल्फ में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं तो बेटी अमेरिका में डॉक्टर है। शायद इसीलिए मिल्खा सिंह कहा करते थे कि वह अब सफल हैं। Thank you.